टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जो 1500 लोगों को लेकर अटलांटिक में समा गया। टाइटैनिक से प्रेरित होकर बहुत सारी मूवीज बनाई गई है। इन सब में खास है जेम्स कैमरून की टाइटैनिक, जिसे 11 ऑस्कर मिले थे। पर इसकी जैसी और भी मूवीज हैं जो समुद्र और जहाज के सफर के बारे में है, तो चलिए जानते हैं इन मूवीज के बारे में। पहले नंबर पर है पोसाइडन। 2006 की इस मूवी में एक जहाज की स्टोरी है जिसका नाम है पोसाइडन। ये जहाज अपने पैसेंजर के साथ नए साल के मौके पर समुद्री यात्रा पर है। जब शिप के पैसेंजर नए साल की पार्टी का मजा ले रहे होते हैं, उसी दौरान एक बहुत बड़ी पानी की लहर इस जहाज को उल्टा कर डुबा देती है। अब कैसे पैसेंजर अपने आप को बचाते हैं, यही सब इस फिल्म में बताया है। दूसरी है इन द हर्ट ऑफ द सी। 2015 में रिलीज हुई इस मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ की मुख्य भूमिका है। इस फिल्म की स्टोरी सेट है 1820 में, जब एक जहाज को बहुत बड़ी वेल डुबा देती है। ये जहाज वेल मछली के बच्चों का शिकार करता है, पर एक दिन किस्मत खराब होती है जब इसका सामना एक वेल मछली से होता है, जो गुस्से में इस जहाज के पीछे पड़ जाती है। क्रिस हेम्सवर्थ का रोल एक मछली पकड़ने वाले का है। फिल्म में दिखाई गई वेल और इंसान की लड़ाई कमाल की है, जिसकी वजह से इसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। तीसरे नंबर पर है ट्रायंगल। 2009 की ये मूवी बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को दिखाती है। फिल्म की स्टोरी में कुछ फ्रेंड्स एक नाव पर हॉलीडेज के लिए जाते हैं। कुछ घंटे बाद समुद्र का मौसम बिगड़ने लगता है और एक तूफान की वजह से इनकी नाव पलट जाती है। तब इन लोगों को एक पुराना शिप दिखता है। मदद मांगने के लिए ये उस शिप पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचने पर इन्हें मालूम होता है कि शिप तो खाली है। धीरे धीरे वहां पर भूतिया हरकतें होने लगती है और इनके साथी अचानक गायब होने लगते हैं। चौथे नंबर पर है परफेक्ट स्टॉर्म। 1991 की इस मूवी में बहुत ही फेमस एक्टर मार्क वॉलबर्ग और जॉर्ज क्लूनी हैं। फिल्म की स्टोरी एक मछली पकड़ने वाले जहाज के बारे में है, जिसने साल भर में बहुत ही कम मछली पकड़ी है और शिप का कैप्टन हार नहीं मानता। साल के खत्म होने से पहले वो एक आखिरी ट्राई करता है। खराब मौसम की जानकारी के बाद भी वो और उसके आदमी समुद्र में लौटते हैं, पर इनकी किस्मत बिल्कुल खराब होती है। इनका सामना एक ऐसे तूफान से होता है जो कि सालों में एक बार आता है। पांचवें नंबर पर है डेड काल्म। ये फिल्म 1989 की है। इसमें एक्टर्स है निकोल किडमैन और सैम नील। फिल्म की स्टोरी में ये कपल है जिन्होंने हाल ही में अपने लड़के को एक रोड एक्सीडेंट में खोया है। ये कपल गम भुलाने के लिए वेकेशन पर जाता है। ये अपनी बोट में होते हैं जब ये एक आदमी की मदद करते हैं जो कि एक डूबते हुए जहाज का आखिरी सदस्य है। पर इस भोले भाले कपल को यह नहीं पता होता कि वो आदमी पहले से इनकी बोट को चुराने का प्लान बनाकर आया है। छठे नंबर पर है स्पीड 2। 1997 की इस फिल्म में एक कपल को दिखाते हैं जो कि क्रूज पर छुट्टियां मना रहा है और शिप के पैसेंजर्स में होता है एक कंप्यूटर हैकर जो कि शिप के सिस्टम को हैक कर लेता है। ये हैकर शिप की तिजोरी से ज्वेलरी और कैश चुरा लेता है, फिर कंप्यूटर के जरिए शिप को ऐसे रास्ते की तरफ मोड़ देता है जिससे वो एक ऑयल टैंकर से टकरा जाएगा। अब ये कपल उस हैकर को कैसे रोकेगा, यह इस फिल्म की कहानी है। सातवें नंबर पर है ऑल इज लॉस्ट। 2013 की इस फिल्म को ऑस्कर भी मिला हुआ है। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अकेले दुनिया की सैर पर निकला है, पर एक दिन जब यह आदमी सोकर उठता है तो पाता है कि इसकी बोट एक शिप कंटेनर से टकरा चुकी है और इसमें खड्डा होने की वजह से पानी भर रहा है। अब यह आदमी बिना खाना पानी के कैसे सर्वाइव करेगा, ये सभी इस फिल्म में बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बता रखा है। आठवें नंबर पर है द फाइनेस्ट आवर्स। 2016 की इस फिल्म की कहानी एकदम सच है। ये 1952 की घटना से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक डूबते ऑयल टैंकर से 30 लोगों को बचा लिया गया था। ये ऑयल टैंकर एक तूफान में फंस गया था। उफनती लहरों ने इस टैंकर को दो टुकड़ों में बांट दिया था। जो टुकड़ा तैर रहा था उसी में ये लोग सवार थे। समय रहते कोस्ट गार्ड के 4 मेंबर वहां पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी छोटी सी बोट से इन 30 लोगों को बचाया था। नौवें नंबर पर है गोस्ट ऑफ द एबिस। ये 2003 की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन हैं। इस फिल्म में कैमरॉन टाइटैनिक के असली मलबे को ढूंढने के लिए अटलांटिक ओशन का सफर तय करते हैं। टाइटैनिक का मलबा 3.5 किलोमीटर नीचे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया गया था। कैमरॉन ने 2 रोबोट सबमरीन की मदद से टाइटैनिक के अंदर का वीडियो शूट किया था। इस फिल्म में टाइटैनिक के वुड फर्नीचर से लेकर इंजन तक को दिखाया गया है कि वो अब किस हालत में है। हमारी लिस्ट में आखिरी है डीप राइजिंग। 1998 में बनी इस फिल्म की कहानी बहुत ही एक्साइटिंग है। फिल्म में क्रूज शिप को दिखाते हैं जिस पर एक विशालकाय मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। मॉन्स्टर सारे पैसेंजर्स को मार देता है, वहीं कुछ लोग शिप पर चोरी करने आते हैं। इनको मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता होता। जब इन चोरों का सामना मॉन्स्टर से होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, यही चीज इस फिल्म को मजेदार बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।